क्राउड का इतना तेज आवाज सुनकर किसी के कान फटा हो या ना फटा हो, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का गाना जरूर फट गया। यार लोगों ने क्या क्या सपने सजा कर रखे थे कि रॉक किसी बड़े पेपर व्यू में रिटर्न करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज स्मैकडाउन के एपिसोड में रॉक का रिटर्न देखने को मिला जो कि पूरे WWE ऑडियंस के लिए शॉकिंग बात थी। तो क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड में, चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। आज स्मैकडाउन को शुरुआत करते हुए हमें पैट मैकफी देखे हैं। रिंग में आने के बाद पैट मैकफी बोलते हैं कि मैं एक और शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ शो कर रहा हूँ वहाँ से काफ़ी करीब थे स्मैकडाउन, इसी वजह से मैं स्मैकडाउन के एपिसोड में आ गया क्योंकि स्मैकडाउन का क्राउड काफ़ी बेस्ट क्राउड है। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी आने के बाद बोलते हैं कि भाई ये स्मैकडाउन नहीं है, ये ऑस्टिन लाइव है। उस पर पैट मैकफी ऐसी बात बोलते हैं कि ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या होने वाला है आगे। वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट योर शो, दिस इज पीपुल शो। इससे पहले कि कुछ ऑडियंस सोच पाते कि इतने में रॉक का हमें थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ दिखाया जाता है। भाई साहब वहां से रॉक निकल कर आते हैं। रॉक को देखकर फैंस इतना तगड़ा रिएक्शन देते हैं क्या बताऊं भाई, सच में कान फटे जा रहे थे भाई। टीवी पर ऐसा हाल था तो सोच सकते हो कि एरिना का क्या हाल होगा। उसके बाद रॉक रिंग में आते हैं। रॉक आए 3 से 4 मिनट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्राउड रॉक का चैंट किया जा रही थी। तो उस पर ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं कि भाई बस करो, मेरा कान फटे जा रहा है। उसके बाद ऑडियंस रॉकी रॉकी का चैंट करना स्टार्ट कर देता है। भाई मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई रॉक एक स्मैकडाउन के एपिसोड में कैसे आ सकते हैं। भाई पेपर भी बहुत सारे हुए भाई, उसमें आ जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस था, तो भाई स्मैकडाउन के एपिसोड में क्यों आ गए सच में मुझे भी नहीं पता चल रहा है। कितने अरमान सजाते हैं कि भाई रॉक इस पर भी आएंगे, यहाँ पर आएंगे, रोमन इसको फेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिंपल सा स्मैकडाउन के एपिसोड में आ जाते हैं। रॉक जैसे ही माइक पर बोलना स्टार्ट करते हैं, सारी ऑडियंस को पता चलता है कि इस बंदे को रॉक नाम क्यों पड़ा है। सच में ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने पूरे तरीके से छील कर रख दिया। रॉक ऑस्टिन थ्योरी को बोलते हैं कि बेटे मैं आजकल सुन रहा हूँ कि तू स्मैकडाउन में काफी उछल कूद कर रहा है। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं कि रॉक तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आजकल स्मैकडाउन को मैं चला रहा हूँ, ऑस्टिन थ्योरी इस स्मैकडाउन को रन कर रहा है। तो इस बात पर रॉक बोलते हैं कि शट योर माउथ बिच सन। ये चीज सुनकर ऑस्टिन थ्योरी के सच में गाना छिल गया था। देखकर पता चल रहा है कि रॉक के बातों का कितना असर हुआ है ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। वैसे तो करंट टाइम में WWE में थोड़ा सा भी गाली गलौज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप सबको पता होगा कि रॉक एटीट्यूड एरा वाले रेसलर है, उस समय गाली गलौज चलता था, उसी चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आप सबको पता होगा कि रॉक का सबसे बड़ा दुश्मन स्टोन कोल्ड ऑस्टिन थे, जो कि आज करंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर निकाल रहे थे क्योंकि इनका भी नाम में ऑस्टिन आता है। रॉक उसी मोमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी को गाली देकर नहीं छोड़ते हैं, उनको ऑडियंस की तरफ से भी गाली दिलवाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं, राइट और लेफ्ट। बोलते हैं कि राइट वाले को बोलना है एस और लेफ्ट वाले को बोलना है कि होल। एस होल का चैंट हमें ऑडियंस की तरफ से देखने को मिलने लगा, जो कि सच में ऑस्टिन थ्योरी सुनकर पगला गए थे। बोलते हैं कि बस करो, बहुत हो गया। उल्टी ऑडियंस को भी ऑस्टिन थ्योरी गाली देना स्टार्ट कर गए थे। उसके बाद रॉक बोलते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी तुम शांत रहो, मैं तुमको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं तुमको पिटना शुरू करूंगा। लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ऑस्टिन थ्योरी रॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रॉक भी प्रिपेयर हो गया आज स्मैकडाउन के एपिसोड में आते हैं। तो फिर क्या होना था, रॉक बजाना स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अपना फिनिशर रॉक बॉटम भी देते हैं। उसके बाद पैट मैकफी बोलते हैं क्या तुम भी पेल लो इसको। इस सेगमेंट को खत्म होने के बाद रॉक बैक से जाते हैं। बैक से जाने के बाद जॉन सिना से गले हुए मिलते हैं। ये चीज देखने के बाद सारी WWE ऑडियंस पूरी तरीके से खुश हो गई थी। मैं काफी टाइम से WWE को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इससे बेस्ट शो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है।